प्रिय मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संसार दर्पण ज्ञान में। प्रिय मित्रों, आज के प्रसंग में हम जानेंगे कि क्यों मारी भगवान विष्णु के भृगु ऋषि ने लात। प्रिय मित्रों, कहा जाता है कलयुग की शुरुआत में जब भगवान वैकुंठ चले गए थे, लेकिन ब्रह्मा धरती पर विष्णु भगवान को चाहते थे, जिसके लिए नारद मुनि को कोई युक्ति सोचने के लिए कहा गया। प्रिय मित्रों, नारद मुनि ने गंगा के तट पर यज्ञ की तैयारी में जुटे, जब बेहतर ब्रह्मांड की खातिर ऋषि मुनियों ने एक यज्ञ शुरू किया था, लेकिन सवाल ये था कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में उस यज्ञ का पुरोहित किसे बनाया जाए। सभी ऋषि मुनियों ने ये जिम्मेदारी भृगु ऋषि को सौंपी, क्योंकि वही देवताओं की परीक्षा लेने का साहस कर सकते थे। प्रिय मित्रों, भृगु ऋषि भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे, लेकिन भगवान ब्रह्मा बीड़ा की धुन में लीन थे, उन्होंने भृगु ऋषि की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। भृगु ऋषि की अगली मंजिल थी महादेव। भृगु ऋषि महादेव के दरबार में पहुंचे, लेकिन उस वक्त भगवान शंकर भी माँ पार्वती से बातचीत में खोए हुए थे और उनकी नज़र भी भृगु ऋषि पर नहीं पड़ी। प्रिय मित्रों, अब बारी थी भगवान विष्णु की, जो उस वक्त आराम कर रहे थे। भृगु ऋषि ने वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु को कई आवाजें दी, लेकिन भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से में आकर भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के सीने पर लात मार दी। इसके बाद भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि को गुस्से में आग बबूला देखा तो उनका पैर पकड़ लिया और मालिश करते हुए पूछा कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। ये देखकर भृगु ऋषि को अपना उत्तर मिल गया और उन्होंने यज्ञ का पुरोहित भगवान विष्णु को बना दिया। प्रिय मित्रों, भृगु ऋषि की भगवान विष्णु के सीने पर लात मारने पर माता लक्ष्मी उनसे नाराज हो गई थी। माता लक्ष्मी चाहती थी कि भगवान विष्णु भृगु ऋषि को दंड दें, लेकिन विष्णु भगवान ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी ने वैकुंठ छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर करवीपुर आ गईं, जो महाराष्ट्र में आज कोल्हापुर के नाम से जाना जाता है। प्रिय मित्रों, प्रसंग कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं।